अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अब चलते हैं ताज़ा अपडेट की तरफ। 6,000 सऊदी डॉक्टर बैरून मुल्क कोरोना के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पर। अब इस खबर की तफसील। हेल्थ स्पेशलाइजेशन की सऊदी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर एमन अब्दा ने बताया है कि सऊदी अरब के 6,000 से ज़्यादा डॉक्टर 30 ममालिक के शहरियों को उनके मुल्कों में नए कोरोना वायरस की वबा के दौरान सेहत खिदमात फराहम कर रहे हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर एमन अब्दा ने सऊदी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी डॉक्टर जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और जनूबी कोरिया जैसे मुल्कों में नए कोरोना वायरस से मुतासरीन के इलाज मुआलजे में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर अब्दा ने कहा है कि सऊदी डॉक्टर मुख्तलिफ ममालिक में रिसर्च के लिए गए हुए थे। इन दिनों बुहरानी हालात के बावजूद सऊदी डॉक्टरों ने उन्हीं ममालिक में क्याम को तरजीह दी। सऊदी अरब 40 बरस से ज़्यादा अरसे से सेहत की आला तालीम हासिल करने के लिए अपने शहरियों को बाहर भेजता रहा है। अब चलते हैं हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। जिद्दा की सब्ज़ी मंडी आम सारिफ के लिए बंद। कोरोना वायरस के खदशात के बायस जिद्दा की मरकज़ी सब्ज़ी मंडी को आम सारिफ के लिए बंद कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जिद्दा म्यूनसिपल्टी ने कहा है कि कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखने के लिए मरकज़ी सब्ज़ी मंडी में आम सारफीन के दाखिले पर पाबंदी है। म्यूनसिपल्टी ने कहा है कि सब्ज़ी मंडी से सिर्फ थोक के ताजर को ही माल खरीदने की इजाज़त होगी। म्यूनसिपल्टी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल जहरानी ने बताया है कि यह फ़ैसला सारफीन की सलामती के लिए किया जा रहा है। हम उन्हें मंडी की भीड़ भाड़ से दूर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आम सारफीन अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात की सब्ज़ी और फल करीबी दुकानों से ख़रीद सकते हैं, जहाँ ज़्यादा अजधाम की का इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी मंडी में सिर्फ थोक में माल खरीदो फरोख्त होगा और ये ताजरों और सब्ज़ी की दुकानों के मालकान के लिए होगा। कर्फ्यू, अब चलते हैं हमारी तीसरी अपडेट की तरफ। कर्फ्यू खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? अब इस खबर की तफसील। सऊदी वजारत दाखला के तर्जमान तलाल अल शलहूब ने दो अहम सवालात, कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी किस तरह रिकॉर्ड होती है और इस पर एतराज़ रिकॉर्ड कराने का तरीकाकार क्या है, का जवाब दिया है। अखबार 24 के मुताबिक अल शलहूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करने का तरीकाकार क्या है। अल शलहूब ने जवाब दिया, जवाब में बताया कि कर्फ्यू खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करने के लिए चार ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला तरीका तो ये है कि फील्ड में मौजूद सिक्योरिटी अहलकार खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि टेलीफोन पर इतला मिलती है कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ इलाके में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा गया है। तीसरा तरीकाकार ये है कि कुल ना अमन, हम सब अमन के मुहाफिज हैं, एप्लीकेशन के ज़रिए खिलाफ वर्जी की इतला मिलती है। चौथा तरीका ये है कि बाज़ सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की सोशल मीडिया पर अपनी कारस्तानियों पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप या ऐसी तस्वीर जारी करते हैं जिससे इनके खिलाफ कर्फ्यू खिलाफ वर्जी का सबूत मिल जाता है। वजारत दाखला के तर्जमान ने बताया कि जो लोग कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी पर इजहार फ़ख्र के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन क्राइम के तहत सज़ा के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाता है। एक सवाल ये किया गया कि अगर किसी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को ये एहसास हो कि इस पर नाहक कर्फ्यू खिलाफ वर्जी का जुर्माना लगाया गया है, तो वह अपना एतराज़ किस तरह रिकॉर्ड कराए या जुर्माने के फैसले को किस तरह कहां चैलेंज करे। अल शलहूब ने बताया कि अगर किसी को कर्फ्यू खिलाफ वर्जी की बाबत ये एहसास हो कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो खिलाफ वर्जी के अंदराज की तारीख से 30 दिन के अंदर अबशर पर जाकर अपनी शिकायत रिकॉर्ड करा सकता है। अब चलते हैं हमारी आखिरी अपडेट की तरफ। रमज़ान के दौरान बैंकों और तरसील ज़र मराकज़ के औकात कार।
अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी सामा ने इस साल रमज़ान और ईद उल फितर के तातीलात के दौरान बैंकों और तरसील जर के मराकज़ और एक्सप्रेस सर्विस के औकात कार का ऐलान किया है। अखबार 24 ने सामा के जारी करदा बयान के हवाले से बताया है कि रमज़ान के दौरान बैंकों की शाखें सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। सामा ने बैंकों को हिदायत की है कि मुहैया वसाइल के ज़रिए अपनी शाखों के नामों और औकात कार से खातेदारों को मुतला किया करने का अहतमाम करें। सामा ने अपने बयान में कहा है कि मुमलिकत भर में तरसील जर के मराकज रोज़ाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खोले जाएं। तरसील जर के मराकज के औकात कार रोज़ाना 5 घंटे से कम नहीं होंगे। तरसील जर के मराकज कहाँ खुलेंगे और किस वक्त तक खुलेंगे और कब से कब तक खुले रहेंगे, इसकी तफसील तरसील जर के मराकज को अपने तौर पर सारिफीन को देना होगी। इस सिलसिले में तमाम मराकज कर्फ्यू के औकात कार के पाबंद भी होंगे। सामा ने मजीद बताया कि इस साल ईद उल फितर की छुट्टी जुमेरात 28 रमज़ान उल मुबारक मुताबिक 21 मई की ड्यूटी मुकम्मल करके शुरू होगी। 8 शवाल इतवार 31 मई को मालियाती इदारे दोबारा काम करना शुरू करेंगे। सामा ने तमाम बैंकों और तरसील जर के मराकज़ पर पाबंदी लगाई है कि वो ईद उल फितर की तातीलात के दौरान अपने बाज़ शाखें खोलने का अहतमाम करें। खातेदारों को औकातकार शाखों के नामों और तरसील जर के मराकज़ के पतों से मुतला करने की अहतमाम करें। सामा ने यह भी कहा है कि तमाम बैंक और तरसील जर के मराकज़ अपनी शाखों और औकातकार की तफसीलात से सामा को भी आगाह करें। बयान में मजीद कहा गया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान सरी रफ्तार तरसील जर के सऊदी निज़ाम सरी एक्सप्रेस सर्विस के औकात कार सुबह 10 से लेकर दोपहर 4 बजे तक होंगे। जुमेरात 28 रमज़ान 31 मई को एक्सप्रेस सर्विस बंद हो जाएगी। फिर 3 शवाल 26 मई मंगल को एक्सप्रेस सर्विस सारेफीन के लिए मुहैया होगी।